नारायण ने छोटे से मत्स्य का रूप धारण क्यों किया? एक छोटे से मत्स्य उन भयंकर असुरों का संहार कर मानवता की रक्षा कैसे करेगी? यही तो नारायण की विशेषता है, वो कहते नहीं करके दिखाते हैं। और जो लीला समय से पूर्व समझ में आ जाए वो लीला कैसी? मनु की अंजलि में नारायण इस नन्हे रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पे छोड़ देता हूँ। नहीं राजन, ऐसा मत करो, दया करो। मुझे इस जल में ना लौटाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? यूं प्रतीत होता है मुझे भ्रम हुआ है। ये भ्रम नहीं है राजन, तुमने मेरा स्वर सुना है। तुम बोल सकते हो? हाँ राजन, ये जल स्रोत मेरे लिए संकट है। बड़े मत्स्य मुझे खा जाने को आतुर है। राजा का धर्म है रक्षण। मैं स्वयं को आपके हाथों सौंपती हूँ। मुझे तब तक रक्षित कीजिए जब तक मैं अपनी समस्याओं को साधने योग्य ना बन जाऊँ। मैं अब राजा तो नहीं, किंतु असहाय की रक्षा करना हर मनुष्य का धर्म है। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। यहाँ सुरक्षित रहोगी नन्नी मत्स्या। चलिए भोजन कर लीजिए। त्राही माम, मेरी सहायता करो राजन। राजन सहायता करें, सहायता करें राजन, राजन। सहायता करें। ये कैसे संभव है? सहायता करें राजन। यह इसका आकार एकाएक कैसे बढ़ गया? इस परंपरा में विचार करेंगे। इस समय इसके प्राण बचाने आवश्यक है। क्या किया आपने? ये जल में 7 कोश दूर से भर कर लेकर आई थी, अब हम कल तक जल कैसे पिएंगे? एक दिन बिना जल के हम जीवित रह सकते हैं, किंतु ये मत्स्य अवश्य मर जाती। महादेव, ये क्या माया है? नारायण को वेदों और पृथ्वी की रक्षा करनी थी, उन्होंने मनु को नव निर्माण के लिए चुना, परंतु अब क्यों मत्स्य का रूप धारण कर उसी के पास वापस जा रहे हैं? इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? क्यों वो समय व्यर्थ कर रहे हैं? इतने सारे प्रश्न एक साथ। कदाचित इसीलिए नारायण आपको चंचला कहते हैं। देवी, मैं समझ सकता हूं कि नारायण के आचरण के कारण आप उत्सुक हैं, व्याकुल हो रही हैं, परंतु यही तो लीला है मेरे आराध्य की। वो कब क्या करते हैं ना तो किसी को बताते हैं, ना ही किसी को कुछ जानने देते हैं, परंतु जिसे बताना होता है उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। महादेव, मैं मानती हूं, परंतु ये क्या बात हुई कि ना तो उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ बताया और ना ही अपने आराध्य को? ऐसा इस कारण क्योंकि नारायण के अनुसार इस समय ना तो उनकी पत्नी को कुछ जानने की आवश्यकता है और ना ही उनके इस भक्त को। हां देवी,
इस समय आवश्यकता है उसका बल पहचानने की, जिसका चुनाव स्वयं नारायण ने किया है। ये प्रलय का समय नहीं है देवी, समय मनु की परीक्षा का। आर्या, वो क्या है जो आपको चिंतित किए हुए है? मैं मत्स्य के विषय में सोच रहा हूं। ये बोलती है इतनी शीघ्र बड़ी हो जाती है, कुछ तो अलौकिक है इसमें। किसी विशेष मंतव्य से मेरी इससे भेंट हुई है, कुछ संदेश है जो प्रकृति मुझे देना चाहती है, किंतु वो संदेश क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्या, आपने उस मछली को संरक्षण का वचन दिया है, आप अपने वचन का पालन कीजिए। वो कौन है, यहाँ क्यों आई है, वो समय आपको समझा देगा। और हो सकता है कि नारायण आपकी कोई परीक्षा ले रहे हो। ये केवल परीक्षा नहीं, परीक्षाओं की श्रृंखला है मनु, और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए तुम्हें कड़े प्रयास करने होंगे। राजन, सहायता करें। राजन, राजन, सहायता करें। राजन, इस पात्र में मुझे श्वास नहीं आ रहा, मुझे बड़ा स्थान चाहिए, शीघ्रता करो, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। राजन, क्या हुआ महाराज, प्रजा पालन छोड़कर मत्स्य पालन प्रारंभ कर दिए हैं? नहीं भाई, ये एक विशेष मत्स्य है, बोलती भी है, रात भर में इतनी से इतनी बड़ी हो गई। अच्छा, तो हमें भी सुनाइए इसकी आवाज, हम भी देखें ये चमत्कार। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो मित्र, इन सबको भी अपने स्वर सुनाओ ना। तो हम इसे भुला देते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे संरक्षण में है, इस विशेष प्राणी को आहत ना करें। सुना था तुमने अपने राज्य का त्याग कर डाला, पर अब लगता है तुमने अपनी बुद्धि का भी त्याग कर डाला। कुछ बोलो मत्स्य, अन्यथा ये नहीं मानेंगे, कुछ बोल दो। अब ये मत्स्य बोलेगी या मरेगी? नहीं, नहीं। अरे मारो, 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 भ्रमित कर रहा है, मारो। लज्जा आती है सोच करके, ये हमारे राजा थे। चलो साहब, चलो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो का जाप कर रहे हैं उस नारायण को जिनसे हमारा प्रतिकार शेष है।
इस समय प्रतिकार नहीं, हमारे राजा के आदेश का पालन करना आवश्यक है। यदि उस नारायण ने इन वेदों का जाप सुन लिया तो अवश्य यहाँ आएगा। हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो नारायण इन वेदों को कभी न ढूंढ पाए। सही कहा भ्राता, हमें स्थान सुनिश्चित करना होगा। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों इन लोगों के सामने स्वर नहीं साधा? क्यों इन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं दिलाया? प्रश्न उनके तुम पर विश्वास का नहीं, प्रश्न ये है कि तुम्हें स्वयं पर कितना विश्वास है। जानना ये है कि क्या तुम मेरा संरक्षण कर सकते हो? इतनी सार भरी बात कौन हो तुम? शरणागत, बस इतना पर्याप्त है। मैंने तुम पर विश्वास किया, अब तुम्हें स्वयं पर करना है। क्या करोगे? छोड़ दोगे मुझे राजन? नहीं, अपना कर्तव्य तो मैं अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ूंगा। ये कुंड भी अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं रहा राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान चाहिए। अब मेरा स्थान समुद्र है, ले जा पाओगे? नमो नारायण। सहायता करो राजन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।